हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में एंड किया था। इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की डेफिनेशन बनती है, द नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आर दोज डिफेक्ट इन विच कैटायंस टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब। कि आपका जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो सिमिलर ना होके या कॉन्स्टेंट ना होके आपका डिस्टर्ब होगा या डिफरेंट होगा। जैसे आपके स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आपने देखा था कि जितने कैटायंस, नंबर ऑफ कैटायंस है उतने ही नंबर ऑफ एनायंस होते हैं, लेकिन नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आपके नंबर ऑफ कैटायन और एनायन डिफरेंट होगा, उनका रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। बट इस पूरे दोनों केसेज में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल नॉट चेंज, इट कैन बी मेंटेन। ठीक है ना। अभी आपको देखना है कि कैसे मेंटेन रहती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, एनायन वैकेंसी एंड इंटरस्टीशियल कैटायन। ठीक है, एनायन वैकेंसी को आप क्या कह सकते हैं कि अगर एनायन किसी भी रीजन की वजह से यहाँ से क्रिस्टलाइटिस साइट से रिमूव हो जाता है, और रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे एक होल बन जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होंगे, पॉजिटिव या कैटायंस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली एक एनायन चला जाएगा तो नंबर ऑफ जो कैटायन है वो ग्रेटर देन हो जाएंगे नंबर ऑफ एनायन से, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब कैटायंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाइल जो क्या करते हैं, जो डोनेट करते हैं उन्हीं को मेटल्स कहते हैं, तो कैटायंस को ही मेटल कहते हैं। तो यहाँ पे जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कि मेटल यहाँ पे कैटायंस क्या हो गया, एक्सेस में आ गए। ठीक है, किसकी वजह से, एनायन वैकेंसी की वजह से। दूसरा आता है आपका इंटरस्टीशियल कैटायन। कि इंटरस्टीशियल कैटायन जैसे आपके नाम से ही लग रहा है कि कोई कैटायन बाहर से आके या किसी भी रीजन की वजह से आके इंटरस्टीशियली एडजस्ट हो जाता है, तो इसमें भी क्या होंगे, नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ कैटायन इंक्रीज होने का मतलब मेटल एक्सेस में चला जाएगा या मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी के लिए हम पढ़ लेते हैं। हमने एक लैटिस लिया है NaCl का, NaCl क्रिस्टल लिया, तो इसमें हम लोगों ने Na की वेपर पास करानी है, सोडियम वेपर पास कराएंगे। सोडियम वेपर के पास कराने से क्या होगा कि जो इसका जो Cl नेगेटिव एनायन है वो आपका क्या हो जाएगा, Na के साथ रिएक्ट कर देगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Na आपका क्या बनाता है, Na एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Na कैटायन फॉर्म करता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके कौन सी साइट ले लेगा, Cl की। Cl तो यहाँ से रिमूव होके Na के साथ NaCl बना लेगा, लेकिन जो आपका Cl के पोजीशन में, इसकी पोजीशन कौन ले लेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो आपने Na यहाँ से लिखा था उसको लेगा। ठीक है, तो Na प्लस Cl तो आपका NaCl बना देगा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है वो Cl की साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अब जिस पहले आपका NaCl का रेशियो था 6:6, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा 6:6 लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, 6 ही मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 6 एटम लिए हैं, 6 आयंस लिए हैं, तो इसलिए हमने इसका रेशियो 6 लिया है। ठीक है, 6:6। अब आप ये देखें कि यहाँ पे Na तो 6 ही हैं, लेकिन जो Cl है वो आपके 5 हो चुका है, क्योंकि एक Cl तो निकल चुका है। ठीक है, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्यों सेम है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल है आपके टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनी रहती है। अब इस चेंजेस, इस डिफेक्ट की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, पहला इसकी एक तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी आ जाएगी इसमें, कि आपके क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली कंडक्ट हो जाएगा। आपको बताया था मैंने कंडक्टिविटी की उसकी वजह से होती है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, दूसरा आपका आता है पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। ये पैरामैग्नेटिक मतलब अगर आप इसको मैग्नेट के बीच में रखेंगे तो ये आपका अट्रैक्शन शो करेगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में। ठीक है, इसी कैरेक्टर को कहते हैं आपका पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि अब जो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एफ सेंटर जनरेट हो जाता है। ठीक है, एफ सेंटर, इस एफ सेंटर की वजह से यही इसको क्या क्या है, जितने भी आपके चेंजेस आए हैं अब आगे आप पढ़ोगे, इसी एफ सेंटर की वजह से, क्योंकि आपने यहाँ से सीएल रिमूव हुआ है तो जहाँ पे एक होल टाइप का बच जाएगा उसको कहेंगे आपका एफ सेंटर। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी। अब नेक्स्ट आता है कि विदाउट दिस डिफेक्ट, ठीक है, एक और चीज़ होती है कि इस एफ सेंटर की वजह, इस डिफेक्ट की वजह से जो क्रिस्टल का जो कलर होता है वो चेंज जाता है। बिना इस डिफेक्ट के इसका कलर आपका क्या था, वाइट होता है NaCl का, लेकिन जैसे ये डिफेक्ट आता है तो इसका कलर क्या हो जाता है,
येलो हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, कि विदाउट दिस डिफेक्ट द कलर ऑफ NaCl इज वाइट, बट ड्यू टू दिस डिफेक्ट द कलर विल बी चेंज इनटू येलो। ओके, तो ये रहा एनायन वैकेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरस्टीशियल कैटाइंस। थोड़ा सा पहले आप देख लीजिए, एक इसका एक अनदर एग्जांपल है जो LiCl है। LiCl में भी इस लैटिस में अगर एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है उसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है, और KCl का कलर हो जाता है वॉयलेट। बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही वीडियो, ठीक है। अब आता है ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटाइन, ठीक है। ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटाइन में आप देखेंगे, जो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ZN का, ZnO2 का हमने ZnO का हमने क्या क्रिस्टल लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हमने एक कर कैटाइन रिमूव करते हैं तो उसकी जगह आपको क्या करने पड़ेंगे, इंटरस्टीशियल पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई कैटाइन इंटरस्टीशियली आके एडजस्ट हो जाता है बाहर से, इंटरस्टीशियली जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ZN आके एडजस्ट हो गया, तो इसी के कंपैरिजन में आपके टू इलेक्ट्रॉन्स को क्या आपके यहाँ पे दिख रहा है ZN आपके टू इलेक्ट्रॉन्स वो करेगा, रिलीज करेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप ये देखिए ZnO का रेशियो था 6:6। मैं अगेन आपको ये बात समझा देती हूँ कि आपको 6:6 क्यों लेना है, क्योंकि हमने 6 ही आपके आयंस लिए हैं, इसलिए इसका रेशियो 6:6 है, जितने ZN हैं उतने ही आपके ऑक्सीजन। लेकिन डिफेक्ट के बाद आपके क्या होता है, नंबर ऑफ ZN कितने हो गए, 7, ठीक है, क्योंकि एक इंटरस्टीशियल साइट में आके बाहर से कैटायन आके ऐड हुआ, और लेकिन जो ऑक्सीजन है वो तो 6 ही हैं, ठीक है। तो आपका जो रेशियो है वहाँ पे जो कैटायन और एनायन का रेशियो यहाँ पे बिगड़ गया है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हो गया है। बट इसकी इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है, आप ये देखिए कि जितने आपके पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही आपके जो दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं उनके कंपैरिजन दो इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी यहाँ पे भी सेम रहेगी, ठीक है। और इसके इस डिफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा कि मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन शो करेगा, और इसका भी आपका कलर चेंज होता है, कलर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके भी कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।